तो हम फिर स्टडी शुरू करते हैं, क्लास फोर का 9 चैप्टर है, ठीक है। 8 तक सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है, तो इसका हम शुरू करते हैं। माई लैंड यानी मेरी भूमि, अपना मातृत्व भूमि के बारे में ये कविता है। और इस पोएम इसका जो कविता है, ये कवि जो है यह थॉमस डेविस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सी इज अ रिच, सी इज अ रिच एंड रेयर हैंड रेयर लैंड, है ना। सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ओह सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ठीक है। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, द दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। क्या कह रहे हैं कि सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, यानी कि वह एक समृद्ध और दुर्लभ भूमि है, ठीक है। ओह सी इज फ्रेश एंड फेयर लैंड, हे यानी कि ओह यानी कि है वह एक है वह एक ताज़ा और निष्पक्ष भूमि है, ठीक है। ताज़ा और निष्पक्ष भूमि है, फेयर यानी निष्पक्ष भूमि है, ठीक है। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, ठीक है। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, यानी कि वह एक प्यारी और दुर्लभ भूमि है, ठीक है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह मेरी जन्मभूमि है, ठीक है। नेटिव लैंड मतलब होता है जन्मभूमि, जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। नो मैन देन हर्स और ब्रेवियर ही वुमेन्स हार्ट नेवर, यानी कि यहाँ पर भी छूट गया है, ठीक है। नेवर मतलब होता है नेवर, ठीक है। नेवर वेवर, ठीक है। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉट डिवाइन, डिवाइन मतलब देवीय शक्ति, ठीक है। डिवाइन मतलब देवीय शक्ति। तो नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, यानी कि उससे अधिक कोई भी पुरुष बहादुर नहीं है, ठीक है। उससे अधिक कोई भी पुरुष बहादुर नहीं है। हर वुमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर, यानी उनकी महिलाओं का दिल कभी नहीं डगमगाता है, अर्थात महिलाओं का दिल जो है वो कभी नहीं डगमगाता है। उससे अधिक कोई पुरुष बहादुर नहीं है, उनकी महिलाओं का दिल कभी नहीं डगमगाता है। देखिए, आई डिड फेयरली डाई टू सेव हर, ठीक है। मैं उन्हें बचाने के लिए स्वतंत्र रूप से मर जाऊंगा, ठीक है। आई वुड, यह वुड को शॉर्टकट में लिखा है, आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं उसे बचाने के लिए स्वतंत्र रूप से मर जाऊंगा, ठीक है। एंड थिंक माई लॉट डाइविन, ठीक है। डाइविन यानी कि और अपना बहुत बड़ा पवित्र काम सोचूंगा, मतलब इसके ये करने के बाद मैं अपने बारे में मैं बहुत बड़ा पवित्र काम करके गया हूँ ये सोचूंगा, ठीक है। सी इज नॉट अ डॉल एंड कोल्ड लैंड, ठीक है। अरे वो सुस्त डॉल यानी सुस्त और ठंडी जमीन नहीं है। नो सी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, ठीक है। और नहीं वो एक गर्म और निर्भीक, बोल्ड मतलब निर्भीक भूमि है, नहीं वो गर्व और निर्भीक भूमि है, ठीक है। ओह सीज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, क्या है वो जो है, ओह मतलब जो खुशी व्यक्त करता है, वह एक सच्ची और पुरानी भूमि है, ठीक है। सच्ची और पुरानी भूमि है, क्योंकि ये भारत जो है बहुत प्राचीन है, प्राचीन हमारा भूमि है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन यह मेरी जन्म भूमि है। Could beauty ever guard her and virtue still rewarded her, ठीक है। तो could beauty ever guarded her, यानी कि क्या सौंदर्य सदा उसकी रक्षा कर सकता है, क्या सौंदर्य यानी सुंदरता सदा यानी हमेशा उसकी रक्षा कर सकता है। एंड virtue still rewarded her, है ना। और पुष्प और पुण्य अभी भी उसे पुरस्कृत करता है, पुण्य जो है अभी भी उसे पुरस्कृत करता है उस धरती को। नो फ्यू वुड क्रॉस हर बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर फो मतलब होता है दुश्मन, है ना। कोई दुश्मन उसकी सीमा पार नहीं करेगा, कोई भी दुश्मन उसकी सीमा पार नहीं करेगा। नो फ्यू वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड बिटवीन इट पाइन, ठीक है। पाइन मतलब होता है फील सैड, यानी कि दुखी महसूस करना, ठीक है। कोई दुश्मन उसकी सीमा पार नहीं करेगा, तो इसके भीतर कोई मित्र दुखी महसूस नहीं करता है ना।
इसके अंदर जो है कोई भी मित्र हो वो अपने आप को क्या दुखी महसूस नहीं करते। पाइन मतलब होते हैं दुखी महसूस करना, ठीक है। जो हम न्यू वर्ड बताएंगे उसमें आप लोग खुद बताएंगे दिखाएंगे। तो ओह सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, है ना, हे वह एक ताज़ा और उचित भूमि है। ओह सीज अ रेयर लैंड ट्रू लैंड, है ना, हे वह एक दुर्लभ और सच्ची भूमि है, ठीक है। ट्रू मतलब सच्चाई, सच्ची भूमि है। यस सीज अ रेयर एंड फेयर लैंड, हाँ वह एक दुर्लभ और उचित भूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह मेरी मूल भूमि है, ठीक है, यह मेरी मूल भूमि है या जन्मभूमि है। तो इसका जो लेखक है थॉमस डेविस जी ने इस कवि को, एक कविता को लिखे हैं। फिर हम इसको रीडिंग करते हैं। देखो, सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ओह सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर वुमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर, आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉट डाइविन, सीज नॉट अ डॉल एंड कोल्ड लैंड, नो सीज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, ओह सीज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, कुड ब्यूटी ईवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्डेड हर, नो फ्यू वुड क्रॉस द बॉर्डर, नो फ्रेंड विथ इन इट पाइन, ओह सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओह सीज अ रेयर एंड ट्रू लैंड, यस सीज अ रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। तो इस तरह इसको हम रीडिंग करेंगे और आप लोग भी रीडिंग इसको कीजिएगा, ठीक है। हम रीडिंग कर चुके हैं तो आप लोग इसे अच्छा से रीडिंग करके आज का समझने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे हम बताए हैं। तो ठीक है, इसका कुछ न्यू वर्ड हैं वो भी हम देख लेते हैं। अपने मातृभूमि के बारे में इस पार्ट में बताया गया था। न्यू वर्ड में है रेयर, रेयर मतलब होता है समृद्धि, है ना, यानी कि रेयर मतलब होता है समृद्धि, दुर्लभ, समृद्धि होगा अनकॉमन। नेवर, यहाँ पर नेवर यानी भी साइलेंट है, इसको हम नेवर पढ़ेंगे, जो कभी नहीं, है ना। डिवाइन मतलब होल यानी पवित्र, जिसे हम पवित्र समझते हैं। वर्च्यू मतलब गुडनेस, मतलब अच्छाइयाँ, इसकी अच्छाइयाँ है। फोई मतलब होता है इनमी यानी कि दुश्मन। नेटिव लैंड यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, उसे हम नेटिव लैंड बोलते हैं, यानी मातृभूमि, ठीक है। इसके बाद वेवर मतलब होता है हेजिटेट, यानी हेजिटेट होना चाहिए, होता है ना, कहीं बोलते हैं तो पूरा हमें हेजिटेशन होता है अंदर की ओर, हेजिटेशन यानी कि बी अनडिसाइडेड कहो या हेजिटेट कहो, एक ही बात। इसके बाद गार्ड यानी प्रोटेक्ट, यानी रखवाला, गार्ड करने वाला। रिवार्ड मतलब टू गिव समथिंग, यहाँ पर रिवार्ड का मतलब होता है जो कुछ देते हैं उसको हम रिवार्ड बोल सकते हैं, जैसे धरती हमें कुछ जो देती हैं वो रिवार्ड के रूप में हमसे बोल देते हैं। टू गिव समथिंग यानी कुछ देना किसी को, वो रिवार्ड कहलाता है, ठीक है। रिवार्ड ऐसे, रिवार्ड मतलब हम लोग पुरस्कृत समझते हैं, यानी कि कोई अच्छा काम करता है या कोई विषय वगैरह में कंपटीशन फेस करता है तो उसको हम रिवार्ड देते हैं, ठीक है, पुरस्कृत करते हैं। तो यहाँ पर होते हैं कुछ देना और रिवार्ड के रूप में आएगा, ठीक है। पाइन मतलब होता है फील सैड, यानी कि दुखी महसूस करना, इसको पाइन बोलते हैं। तो न्यू वर्ड है, आप लोग इसको अच्छा से लिख लीजिएगा और लिखकर याद कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग इसको कर लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर मौखिक बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसको रीडिंग कीजिए, ठीक है। ठीक है, तब जय हिंद।